点钟。आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। जीडी बागरिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में स्वामी विवेकानंद के 157 जन्मदिवस पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के बोडो स्थित टीजी बागरिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में रविवार को स्वामी विवेकानंद के 157वें जन्मदिवस पर कॉलेज के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। बताया गया कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। वे हमेशा ही युवाओं को आगे बढ़ने की सलाह देते थे। उन्होंने युवाओं से कहा था, उठो चलो और तब तक चलो जब तक सफलता हाथ न लगे। यह इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कॉलेज परिसर के तमाम सदस्य लगे हुए थे। गिरिडीह से प्रिंस झा की रिपोर्ट। 2020 को जीडी बगड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में हम लोग विवेकानंद की 157वीं बर्थडे जन्मदिन दिवस मना रहे हैं आज। क्योंकि विवेकानंद युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने देश की विश्व में एक ऐसी पहचान बनाई है जिसे हम लोग नकार नहीं सकते। पूरे देश में इस दिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि विवेकानंद के आदर्शों पे चल के एजुकेशन को, न सिर्फ एजुकेशन को ही नहीं बल्कि देश को, राजनीति को एक नया आयाम मिला है। उनका कहना था, उठो चलो तब तक चलो जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उनके इस कथन को हम युवाओं में एक प्रेरणा स्रोत बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो भी अपने लक्ष्य के प्रति उतनी ही जागरूक रहें, वो लगातार चलते रहें, वो तब तक चले जब तक कि उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। वो स्वयं को पहचाने, क्योंकि विवेकानंद ने कहा था कि जो लोग स्वयं को नहीं पहचानते हैं तो वो सबसे बड़ा पाप करते हैं। अपने आप को पहचानना है, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और यही कारण है कि हम अपने महाविद्यालय में इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं और आशा करते हैं कि आज के युवा जो हैं इसे प्रेरणा लेंगे, विवेकानंद जी से प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन के यथार्थ को समझेंगे, अपने जीवन को समझेंगे और अपना, अपने परिवार का और अपने देश का नाम।